अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पेपाल, पायनियर और वाइज को कंपेयर किया था आपस में, और हम ये नतीजे में पहुंचे थे कि वाइज जो है इन तीनों में से सबसे सस्ती सर्विस है क्रॉस बॉर्डर ऑनलाइन पेमेंट के लिए। वेल, मेरी उस बात को लग गई है नज़र और मुझे आई है वाइज की ईमेल जिसमें वाइज मुझे कह रहा है कि वाइज की जो फीस है वो अब चेंज होने लगी है। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मेरे पेपाल, पायनियर और वाइज के कंपेरिजन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करनी है ऑनलाइन तो वाइज जो है सबसे सस्ती सर्विस है, अगर आप उन कंट्रीज में हो जहां वाइज की सर्विस मौजूद है। अब हो रही है वाइज की फीस चेंज, तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई गलत डिसीजन ले, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाइज की कौन कौन सी फीस चेंज होने वाली है और फीस चेंज होने के बाद अब वाइज की नई अपडेटेड फीस क्या है। लेकिन इससे पहले कि मैं स्क्रीन पर जाऊं, उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने दो क्लिक्स मुझे दें। आपके दो क्लिक्स आपके किसी काम के नहीं होते, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब हम चलते हैं स्क्रीन पर। तो ये आ गए उस ईमेल पर जो मुझे वॉइस की तरफ से आई है, जिसमें वॉइस के सब्जेक्ट में कह रहा है सम ऑफ आवर फीस आर गोइंग अप, कुछ हमारी फीसें हैं जो कि अब बढ़ने वाली हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी फीस चेंज हो रही है। वी आर मेकिंग सम चेंजेस टू आवर फीस, वी बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी, सो वी वॉन्ट यू लेट यू नो दैट व्हाट्स चेंजिंग एंड व्हाई इट्स हैपनिंग। अब यहाँ पे वॉइस कह रहा है कि हम ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करते हैं तो हमारी प्राइसेस चेंज होने वाली है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कब और क्यों वो चेंज होंगी। अब यहाँ पे दो तरह की फीस है जो चेंज होने लगी है। एक है सेंडिंग मनी फ्रॉम यूरो टू एनी करेंसी, अगर आप यूरो से किसी भी करेंसी में पैसे जो है फंड्स ट्रांसफर करते हैं या कन्वर्ट करते हैं तो उसकी फीस चेंज हो रही है। और इसके अलावा अगर आप ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में पैसे भिजवाते हैं किसी भी करेंसी से तो उसके प्राइसेस चेंज हो रही है। ये दो तरह की फीस है जो वॉइस की चेंज होने लगी है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर आप यूरो से किसी भी पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसकी अब प्राइस चेंज होने लगी है। और इसके अलावा अगर आप ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में किसी से चेंज करवाए पैसे मंगवाते हैं, किसी भी करेंसी से ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो उसकी भी फीस चेंज होने लगी है। तो ये दो फीस हैं जो वॉइस की अब चेंज होने लगी है। इसके अलावा आइए हम चेक करते हैं कि वॉइस की अब नई फीस स्ट्रक्चर क्या है, किस चीज के लिए वो हमसे कितने चार्ज करेगा। ये हम आ गए वॉइस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब यहाँ पर ये सारा इनका फीस स्ट्रक्चर है कि किस चीज के लिए कितने चार्ज करेगा। ये सारी कैटेगरी अगर आपको किसी कैटेगरी में डिटेल में पढ़ना हो, ओवरव्यू में इन्होंने बताया है कि अगर आप अब वॉइस पे अकाउंट बनाते हैं तो वो अभी भी फ्री है, वॉइस पे आप अकाउंट आपका फ्री बनेगा। पैसे अगर आप किसी को बेचते हैं तो उसके आपको 0.43% देना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है, हर करेंसी के लिए डिफरेंट है, ठीक है। अब अपनी करेंसी का चेक करने के लिए आप जो है डिटेल में जाके यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपको किसी करेंसी पे कितना पड़ेगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि 0.43% जो है आपका चार्ज किया जाएगा जिस जब भी आप किसी को फंड्स ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने वॉइस का कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो 200 पाउंड तक निकालना बिल्कुल फ्री है। 200 पाउंड से हाई अगर आप निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं एटीएम से, तो उसके आपको 1.75 देने पड़ेंगे वॉइस को। इसके अलावा अगर आप वॉइस से किसी और अपने अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि ई वॉलेट होगा या कोई टॉपअप हो गया, तो उसके आपको 2% इनको देने पड़ेंगे। वॉइस का अगर आप डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसकी $7 फीस है, और अगर आप पैसे कन्वर्ट करते हैं तो उसकी 0.43% आपको देना पड़ेगा। ये भी हर करेंसी पे वेरी करता है और कन्वर्जन रेट पे भी वेरी करता है। अपने अकाउंट में पैसे रखना अभी भी फ्री है। इन्वेस्ट अगर आप वॉइस के थ्रू कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप कहीं से पैसे रिसीव करते हैं तो वो अभी फ्री है। 9 डिफरेंट करेंसीज में जो है वो फ्री है रिसीविंग मनी इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और ये बाकी पता नहीं कौन कौन सी करेंसीज है, और USD, इन सब करेंसीज में अगर आप पैसे रिसीव करते हैं तो वो अभी भी फ्री है। इसके अलावा अगर आप वायर ट्रांसफर करवाते हैं US डॉलर में तो वो आपको $4.14 देने पड़ेंगे। अगर आपको डिटेल में जानना है कि किस करेंसी में कितना लगेगा तो आपने यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। लेकिन यह है ओवरव्यू वाइज की नए फीस स्ट्रक्चर का। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी आप वॉइस के किसी प्राइस के या किसी फीस के रिलेटेड कंफ्यूज है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं उस पे डिटेल में स्टडी करके आपको वो चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर लें ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे ये वीडियो काम करे, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जब मैं कोई नेक्स्ट इस तरह की वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। पेपल, पायनियर और वॉइस में कौन सी सर्विस बेस्ट है उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहां है। वॉइस पर आप किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं और कार्ड किस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहां है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं उस जमान, अल्लाह हाफिज़।